आज है ओपिनियन बी। हाँ, इस वीडियो में मैं पांच डिफरेंट एयर मॉडल्स के ऊपर बात करूंगा, उन सब के ऊपर अपने ओपिनियन शेयर करूंगा। एंड ये है हमारा ओपिनियन बी का एक ब्रांड न्यू सीरीज, जो वीकेंड्स में आप सबको एक अच्छा सा आपको वैल्यू पैक वीडियो आने वाला है। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट AI डेट इज डेविन। तो भाई डेविन के ऊपर तो मैं ऑलरेडी वीडियो बता चुका हूँ, तो उसे अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं, हमारे चैनल के ऊपर ऑलरेडी है। डेविन के ऊपर मैं थोड़ा बहुत ओपिनियंस शेयर करूंगा, मिथ बस्टर्स करेंगे हम। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेविन आपकी जॉब कभी नहीं दे सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये नो, डेविन विल नॉट टेक योर जॉब। तो प्रॉब्लम क्या होगी, अगर जो भी है आप स्टैट्स देखेंगे एंड थोड़ा बहुत टिकिंग करेंगे, मैं पर्सनल रिसर्च कर रहा हूँ, तो डेविन इज ओनली केपेबल टू सॉल्व 15% ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जॉब। तो 15% जो सॉफ्टवेयर डेवलपर का काम है वही डेविन कर सकता है, मेजॉरिटी के लिए ह्यूमन को स्टेप इन करना पड़ेगा। एंड डेविन सिर्फ कोडर्स की जॉब को रिप्लेस करेगा, प्रोग्रामर की जॉब को कभी रिप्लेस नहीं कर सकता। डेविन का कोई भी एयर मॉडल कभी भी प्रोग्रामर की जॉब नहीं ले सकता है। अगर आप ये बात को समझ लिए तो आपको कोई भी एयर मॉडल से कभी भी डर नहीं लगेगा। एंड डेविन जो है जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स है, जो बस खाली थोड़ा बहुत API कॉल करते हैं, पोर्ट को इधर से उधर करते हैं, थोड़ा बहुत छोटा मोटा डीबग करते हैं, वैसे तो उनकी जॉब डेविन खानेगा। एंड लेकिन डेविन को प्रॉपरली प्रोडक्शन लेवल कोड में भी यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज अगर डेविन में थोड़ी भी गलती हो गई तो वह बड़े बड़े कंपनीज का स्टॉक का वैल्यू इधर से उधर हो जाएगा। इसलिए हम देख सकते हैं कि डेविन AI को कोई भी बड़ी कंपनी जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये लोग कभी भी डेविन को यूज़ नहीं करेंगे। एंड बड़ी कंपनीज दे विल नॉट रिलाई ऑन AI मॉडल्स लाइक डेविन। अगर वो डेविन को यूज़ कर रहे हैं तो वो भी अंडर अ ह्यूमन विजन, तो ह्यूमन सुपरविजन के अंदर ही डेविन AI यूज होगा। एंड डेविन AI से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आपको आपकी सैलरी बढ़ाना है तो आपको डेविन AI को अपने वर्कफ्लो के अंदर लाना ज़रूरी होगा। एंड डेविन AI बेसिकली मेरे हिसाब से एक GitHub Copilot है, उसका थोड़ा डाउनग्रेडेड वर्जन है, बिकॉज डेविन AI के अंदर थोड़े बहुत एरर्स ज़्यादा है व्हेन कंपेयर टू अदर LLM मॉडल्स। एंड अगर सपोज डेविन AI बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ, तो मेरा ये प्रिडिक्शन है, ये पूरा मेरा ओपिनियन है, कि माइक्रोसॉफ्ट के पास GitHub भी है, ओपन AI के साथ एस्टेब्लिशमेंट भी है, तो ये तीन कंपनीज ओपन AI, GitHub एंड हमारा माइक्रोसॉफ्ट, ये तीनों कंपनीज कोलाब्रेशन के साथ एक बेहतरीन लेजेंडरी मॉडल जो डेविन AI का एक बेहतरीन कॉम्पिटिटर बन सकता है, वो चीज़ को लॉन्च कर सकते हैं नियर फ्यूचर। डिपेंड्स क्या हो सकता है, लेकिन हाँ, डेविन के बाद अब हमारी माइक्रोसॉफ्ट एंड ओपन AI खामोश तो बैठने वाली है नहीं। एंड डेविन के बारे में हम बात कर रहे हैं तो देविका के बारे में हम बोल नहीं सकते। सो बेसिकली देविका क्या है, सो देविका इज नथिंग बट डेविन का एक सस्ता ऑल्टरनेट है, चीप कॉपी, और देविका ओपन सोर्स है, फ्री है, तो भाई ये दो चीज़ अच्छी है। लेकिन देविका 3 दिन में बना है एंड बेसिकली 20 आवर्स के अंदर उसका पूरा पोर्ट फ्रॉम स्क्रैच एक सोलो डेवलपर ने लिखा है, तो बेसिकली ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन देविका के पास एनर्स है, बग्स बहुत ज़्यादा है सोर्स कोड के अंदर, एंड देविका डेविन के जैसा हमारे कोड को फिक्स नहीं कर सकता, GitHub एक्सेस नहीं है, तो वह थोड़ी बहुत दिक्कत है व्हेन कंपेयर टू डेविन। एंड देविका को कौन यूज़ कर सकते हैं, हम जैसे बिगिनर्स है एंड जिसके पास अच्छा कंप्यूटर नहीं है वो लोग यूज़ कर सकते। बेसिकली जो पैसा नहीं देना चाह रहे डेविन को वो देविका के पास जाएंगे। एंड प्रोडक्शन लेवल पे देविका को कोई भी कंपनी यूज़ नहीं कर सकता, बिकॉज देविका खुद एक फिनिश प्रोडक्ट नहीं है, तो भाई उसे कैसे हम प्रोडक्शन लेवल कोड में यूज़ कर सकते। एंड टॉकिंग अबाउट डेविन एंड देविका, डेविन को प्रोफेशनली हम यूज़ कर सकते हैं, एक्यूरेसी बहुत अच्छा है, लेकिन देविका को बस खाली एज अ फन प्रोजेक्ट, मिनी प्रोजेक्ट, टाइप प्रोजेक्ट के लिए हम यूज़ कर सकते। देविका को कभी भी सीरियस प्रोजेक्ट एंड पोस्ट प्रोडक्शन कोड के लिए या फिर प्री प्रोडक्शन कोड के लिए हम कभी यूज़ नहीं कर सकते। ये दो चीज़ है जो ये दो मॉडल्स डेविन एंड देविका को सेपरेट करते हैं। मैं 16 मॉडल के बारे में बात करना चाहूँगा, तो भाई बहुत सारी वीडियोस में मैंने बोला है कि 16 मॉडल इज़ गोइंग टू बी अ गेम चेंजर इन कॉन्टेंट क्रिएशन। आप जितनी जल्दी ये बात समझेंगे उतना ज़्यादा फायदा है, बिकॉज 16 इज नॉट अ मॉडल, इट इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। और मैं अभी ये जो भी पार्ट है वीडियो का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊँगा कि 16 मॉडल के थ्रू पैसे कैसे कमाएं।
तो तीन तरीके मैं आपके साथ शेयर करूंगा जैसे ही सोरा मॉडल रिलीज हो जाएगा। आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सोरा मॉडल पर टाइम स्पेंड करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉम्प्ट लिखना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को प्रोड्यूस करना है। अब जो भी आपने वीडियो सोरा मॉडल के थ्रू प्रोड्यूस कर किया है, जो भी है प्रैक्टिस में, वो सारी वीडियोस को कलेक्ट कर एक इंस्टाग्राम थीम पेज बना के उन सारी चीज़ों को उधर अपलोड कर लेना है। इससे क्या होगा, इससे दो फायदे हैं, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, दूसरी चीज़ इंस्टाग्राम पर हमारे ऑडियंस है, फॉलोवर्स बढ़ेंगे, तो आपका ने एक कस्टमर बेस बन जाएगा सोरा मॉडल के वीडियोज़ के थ्रू। हम ये कर लिए, उसके बाद क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप, एक हफ्ता आप अच्छे से पूरा सोरा मॉडल को अच्छे से यूज़ करें, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ें, दवाई के प्रॉम्प्ट्स यूज़ करें, अच्छे खासे वीडियोस प्रोड्यूस करते हैं, इंस्टाग्राम थीम पेज को अच्छा बना दें। उसके बाद आपको क्या करना है, बेस्ट प्रॉम्प्ट है उसकी लिस्ट को आपको एक जगह सेपरेट करना होगा, आप फिर नोशन यूज़ कर सकते हैं फ्रॉम प्रॉम्प्ट डेटाबेस, एंड हम उसको बेचेंगे सोरा मॉडल के प्रॉम्प्ट को हम बेचेंगे इन रुपीज 599 और 800 रुपये 1000 रुपये आपकी मर्जी है। आप सोरा मॉडल के जो अच्छे अच्छे वाले प्रॉम्प्ट्स है जिसकी वजह से ज़बरदस्त वीडियोस प्रोड्यूस हो रही, वो वाले प्रॉम्प्ट्स को हम बेचें दवा के बिकेंगे अगर स्टार्टिंग में आप सही तरीके से एक्सिक्यूट करें तो। दूसरी चीज़, जैसे आपको लगा आपके प्रॉम्प्ट्स बिक गए तो आपको क्या है मार्केट में एक वैल्यू बन जाएगी, आपकी एक ब्रांड वैल्यू बन जाएगी। अब उस ब्रांड वैल्यू का हम इस्तेमाल करेंगे, हम सोरा मॉडल के लिए एक स्पेशलाइज कोर्स बनाएंगे फोन पे 999। आप 10 वीडियो का एक अच्छा सा कोर्स बनाइए सोरा मॉडल को, डीप में जाइए, स्पेशलाइजेशन चाहिए हमें सोरा मॉडल में, अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए, कोर्स बनाइए, इंस्टाग्राम पर प्रमोट कीजिए, यूट्यूब पर प्रमोट कीजिए और उसे बेचिए। मैं सही बता रहा हूँ, अगर डिमांड के हिसाब से आपने इसे एक्सिक्यूट करा तो आप आराम से 2 वीक के अंदर 7 फिगर्स की सेल्स मार सकते हैं। एंड हम यूट्यूब को कैसे भूलेंगे, जैसे आपने सोरा मॉडल को अच्छे से यूज़ करना सीख लिया, अब आपको क्या करना है, स्टोरीज जो अच्छे अच्छे स्टोरीज होते हैं चैट जीपीटी के या फिर रेडिट के स्टोरीज है, वो स्टोरीज को कनेक्ट करना है, उस स्टोरीज का आपको एक वीडियो बनाना है, आपको AI फिल्म्स बनाना है, एंड ये AI फिल्म्स के जो भी वीडियोस होंगे वो आपको यूट्यूब चैनल पर अपलोड करना होगा। पर वीक 3 वीडियोस भी आपने अपलोड करी, 3 शॉर्ट AI फिल्म्स भी अपलोड करेंगे, बिकॉज ये एक ट्रेंड होगा और ऐसे ये जो वीडियोस होंगे AI मॉडल के थ्रू, सोरा मॉडल के थ्रू, लोग उसे देखना ज़्यादा पसंद करेंगे। इसकी वजह से आपका जो YouTube चैनल है वो ज़बरदस्त ग्रो होगा, इतने 4 to 6 months आपके 1 lakh सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, फिर आपका ये जो YouTube चैनल है फिर यहाँ से एडसेंस से आप अलग से पैसा कमाएंगे। तो भाई 3 तरीके से आप पैसा कमाएंगे, एक है प्रॉम्प्ट सेलिंग, एक है कोर्स सेलिंग, तीसरा है यूट्यूब एडसेंस। तो भाई ऐसे करके आप सोरा मॉडल को ये अपॉर्चुनिटी को अच्छे से यूज़ करेंगे। दिस इज जस्ट अ टिप ऑफ द आइसबर्ग, भाई स्काई इज द लिमिट। अब हम ओपन AI के बारे में बात कर लिए, सोरा मॉडल के बारे में बात कर लिए, भाई GPT-5 को कौन बोल सकते। तो भाई GPT-5 के बारे में मैं थोड़ा बहुत रिसर्च करा एंड मुझे थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मिली है, ज़्यादा डिटेल में कुछ ज़्यादा हमें फीचर्स के बारे में मालूम नहीं हुई है GPT-5 में क्या फ़र्क होगा। भाई जितने भी इंटरव्यूज मैंने सैम ऑल्टमैन के देखे हैं फॉर रिगार्डिंग GPT-5, उसमें एक चीज़ कॉमन है, भाई सैम ऑल्टमैन बोल रहे GPT-5 इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट, बहुत ज़बरदस्त चीज़ होने वाली है। जितना डिफरेंस GPT-3 एंड GPT-4 में होगा उतना डिफरेंस या उससे ज़्यादा डिफरेंस GPT-4 एंड GPT-5 में हमें देखने को मिल सकता है। एंड सबसे ज़्यादा हाईलाइट जो GPT-5 में है, इट हैज़ द एबिलिटी टू थिंक, यानी कि हमारा मॉडल सोच सकता है एंड हमारा जो भी आउटपुट है रिस्पॉन्स देने से पहले थोड़ा टाइम देगा, अच्छे से सोचेगा, अच्छे से सोल्यूशन निकाल के हमें प्रेजेंट करेगा। ये जो है एबिलिटी टू थिंक, ये कोई भी मॉडल में नहीं है, लेकिन हाँ अगर GPT-5 ने इस चीज़ को अचीव कर लिया दैट इट इज़ गोइंग टू बी अ रेवोल्यूशनरी चेंज इन द LLM मॉडल्स एंड इन द फील्ड ऑफ AI। अगर सही देना चाहता हूँ GPT-5 में क्या चीज़ होगी, वो एक अपने आप में एक वीडियो का टॉपिक होने वाला है। एवेंट था, अगर आपको GPT-5 के बारे में जानना है तो हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें। ग्लॉब 3 के बारे में बात करेंगे, ओपस के बारे में बात होने वाली है। सो ओपस अभी प्रेजेंट टाइम के लिए बेस्ट LLM मॉडल है इन द मार्केट और जिसने चैट GPT-4 को बीट कर दिया है इन ऑल बेंचमार्क्स। एंड हमारे यूज़र ने ही ओपस को सबसे बेस्ट मॉडल एज अ वॉट किया है। सो ओपस बहुत ज़बरदस्त मॉडल होगा एंड इसकी जो कॉन्टेक्स्ट विंडो है वो ज़्यादा है व्हेन कंपेयर टू GPT-4। एंड हम ज़बरदस्त जो भी ऑथर्स होते हैं जो बुक्स लिखते हैं फेमस बुक्स, उनकी राइटिंग स्टाइल को अच्छे से कॉपी कर सकते हैं एंड हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली इट इज़ बेस्ट फॉर राइटिंग पर्पस, कॉन्टेंट लिखना चाह रहे हैं, आर्टिकल लिखना चाह रहे हैं, अब ब्लॉग पोस्ट लिखना चाह रहे हैं, ओपस इज़ बेस्ट। लेकिन इसके साथ एक फन इंसिडेंट आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ।
तो रिसेंटली जब मैं रिसर्च कर रहा था तो ओपस का एक एक्सपेरिमेंट मुझे सामने मिला था, बेसिकली वो डेटा सेट के अंदर एक पिज्ज़ा की पीस को ढूंढने का टास्क था, तो ओपस से वो चीज़ को क्लियर करा एंड इसके साथ अपने रिस्पॉन्स में ये स्टेटमेंट को बहुत पास किया था कि यू आर डूइंग इट ऑन पर्पस। तो मैंने अपने AI चैनल पे कहा था कि ये जो रिस्पॉन्स थे यू आर डूइंग इट ऑन पर्पस, तो ये एक सेंटेंट AI ही ऐसा रिस्पॉन्स दे सकता है। एंड तो भी मान लस पहले मुझे भी लगा था कि ग्रॉटरी सेंटेंट हो चुका है, लेकिन थोड़ी बहुत और रिसर्च करी और थोड़ा बहुत सोचा कि एक्चुअली ये क्या ट्रू है। तो एक्चुअली ये कोई सेंटेंट बैंडी चीज़ कुछ भी नहीं है, ये खाली मार्केटिंग गिमिक एंड एक स्ट्रैटेजी होती है। तो हमारे जो कंपनीज हैं वो ना वो के रिस्पॉन्स को हमारे मॉडल में मेंशन करते हैं ताकि लोगों के सामने थोड़ी बहुत मार्केटिंग हो जाए। तो भाई क्लाउड 3 बिकम सेंटिएंट, क्लाउड 3 नो व्हाट वी वांट टू डू फ्रॉम इट, तो इससे क्या थोड़ी मार्केटिंग हो जाती है, लोगों के बीच में क्लाउड 3 की चर्चा हो जाती है, फिर जब भी क्लाउड 3 ओपस को ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स आएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होगा। तो भाई ये मार्केटिंग है, आपको ये बात समझनी ज़रूरी होगी। अगर ये बात 10% भी ट्रू होती कि क्लाउड 3 सेंटिएंट है, हमारा ओपस मॉडल सोच सकता है, सेंटिएंट है, सेल्फ अवेयर है, तो कभी भी कोई भी कंपनी ये चीज़ को पब्लिकली डिस्प्ले नहीं करेगी। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होगी कि ये चीज़ को छुपा ली जाए, ये चीज़ की कोई भी पब्लिसिटी ना हो। लेकिन हाँ, इतनी भयानक पब्लिसिटी हो रही तो आप समझ जाना कि ये बात कुछ भी नहीं है, बस खाली ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। एंड बस आज की वीडियो के लिए बहुत इतना ही, और बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने बात की है, तो भाई वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है मुझे पता है, लेकिन हाँ वीडियो वॉज फुल ऑफ वैल्यू। एंड बस आपको सपोर्ट करना है हमें सब्सक्राइब कर लाइक कर। एंड आपको अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो आप उसे शेयर ज़रूर करें। एंड वी विल मीट इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट स्टे ट्यून।